नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से कर रहा हूं। तो मैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में क्या क्या मुख्य रूप से जो सामग्री लगती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको पितृपक्ष के निमित्त, जैसे तुलसी है तो तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों के पूजन के लिए तुलसी का होना भी आवश्यक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ तुलसी का पौधा, आइए मेरे साथ। इसके अलावा मैं अन्य सामग्री भी दिखाऊंगा, जैसे श्वेत पुष्प लगते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा और दिखाना चाहूंगा। और एक और विशेष है कुसा। कुसा से ही हम तर्पण पितरों के निमित्त देते हैं, तो मैं आपको कुसा भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अधिक से अधिक आप शेयर करें। तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखाते हैं तुलसी का पौधा, आइए मेरे साथ। यह आप तुलसी का पौधा देख रहे हैं। इस तुलसी के पौधे में काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, ये देखिए। और एक दूसरा पौधा दिखाते हैं, उसमें तुलसी की छोटी पत्तियां हैं, ये देखिए, छोटी छोटी पत्तियां हैं। आमतौर पर ये रामा श्यामा तुलसी सभी के घरों में मिलती हैं। तो ये केदारनाथ जी से लाए गए हैं। तो यह केदारनाथ की तुलसी है, यह बद्रीनाथ से लाई गई है, ये चौड़े पत्तियों वाली। तो आप इसे भी देख सकते हैं। यह पितृ पूजन में विशेष रूप से पितरों के निमित्त नारायण भगवान को अर्पण की जाती है, पितरों को समर्पित की जाती है यह तुलसी दल। आजकल इस प्रकार से श्वेत पुष्प मिल रहे हैं, तो आप इन पुष्पों को भी पितरों के निमित्त चढ़ा सकते हैं। यह पूजन सामग्री में श्वेत पुष्प ही चढ़ाना चाहिए पितरों के लिए। ये दूसरे प्रकार की सफ़ेद पुष्प हैं, यह भी पितृ पूजन में यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। साथ में तुलसी का पौधा भी है। आम तौर पर हमारे गढ़वाल में पितरों के लिए इन पत्तों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हल्दी के पत्ते हैं, बहुत सारे लोग तोरी के पत्तों का भी यूज करते हैं, और बहुत सारे लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं इन पत्तों का। तो गढ़वाल क्षेत्र में अधिकतर इन हल्दी के पत्तों को यूज किया जाता है, जो हम ये बलियां देते हैं, गौ बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादिदेव, अतिथि बलि और पिपलिका बलि, इन्हीं पत्तों में हम देते हैं। और ये मेरे साथ कृष्णा आ रहा है, पानी के साथ खेल रहा है, और यह भी मेरे साथ चलेगा। शाम का समय है, घूमने जा रहे हैं। कृष्णा, अब मैं आपको कुसा दिखाता हूँ। यहाँ पर वैसे कुसा अनेक प्रकार की होती है, कई प्रकार की कुसा पाई जाती है, लेकिन जो यहाँ पर है मैं आपको वो कुसा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह भी पितृ कार्य में इस कुसा के माध्यम से ही तर्पण दिए जाते हैं, पितरों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और मनुष्यों के लिए। और इस प्रकार से इन कुसाओं को यूज किया जाता है, ये देखिए। यदि आपको यह वीडियो हमारी पसंद आए तो कृपया
हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।